वेलकम बैक, हैप्पी दुर्गा पूजा आप सबको। बांग्लादेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में ना दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन स्टॉप की होती है। और अभी मैं बांग्लादेश में, और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की कैसी सेलिब्रेशन होती है। यहाँ पे तो बहुत सारी जगहों पे अभी दुर्गा पूजा चल रही है, लेकिन जो मेन मेन जगह है मैं वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ इस वीडियो में। अभी बिल्कुल मैं हॉस्टल के पास में ही हूँ और यहाँ पे एक मंडप लगा हुआ है, ये बिल्कुल मेरे हॉस्टल के पास में ही है। यहाँ पे अभी चल के देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। हमारे वेस्ट बंगाल के काफ़ी सारे लड़के जो है ना यहाँ पे ही आए हुए हैं हमारे हॉस्टल में से, जो हिंदू लड़के हैं सारे। यहाँ पे उस लेवल वाला रश नहीं है। अभी चलते हैं मार्केट में, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा मंडप होता है, वहाँ पे चल के देखते हैं वहाँ पे क्या सीन। लेकिन यार ये लाइटिंग है ना, जो कमाल की लाइटिंग है। अभी मैं ना यहाँ पे आया हूँ यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था लेकिन इस बार यहाँ पे नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये पता नहीं कौन से गाने लगे हुए हैं, भोजपुरी गाने, पता नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक रहा है। तुझे वाला बाबू यार, यहाँ पे बड़े डांस होते हैं रात को, लेकिन अभी आज सब कुछ ठंडे लग रहे हैं यार। देखो यार, ये एक यहाँ पे मंडप लगा हुआ है, ये पद्दा रिवर के साइड पे ही है। और यहाँ पे मैं अभी आया हूँ, लेकिन यार आज यहाँ पे अभी भी ना इतना कुछ ज्यादा रश वगैरह नहीं है। यहाँ पे अंदर मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई लग गए यार, फिर लग गए। यहाँ पे पता नहीं क्या बिक रहा है भाई। बंगला में लिखा हुआ है, मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं, आप पता नहीं चलता क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे भी भोजपुरी गानों पे नाच रहे हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से निकलता हूँ कहीं और जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे यार एक्चुअली ना 13 को था मेन फंक्शन, 13 को मैं निकला नहीं तो वो मिस हो गया। अभी ये 14 है, 14 को बोल रहे हैं। आज भी पूजा है लेकिन आज ज्यादा रश वगैरह नहीं है, आज ये बस मस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे मंडप में मैं गया हूँ, जिस भी मंडप पे जा रहा हूँ ना वहाँ पे गाने बज रहे हैं बहुत ज्यादा। और गाने बजने से देखो भाई, एक यूट्यूबर को बड़ा डर रहता है कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह का, तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ जो शांत, मेरे कॉलेज के पास जो था वहाँ पे गाने वगैरह नहीं बजते, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल वगैरह मैन मैन जो भी बड़े सारे जो हिंदू हैं वो सारे वहाँ पे आते हैं, तो थोड़े वो एक तो रेजिडेंशियल एरिया भी है वहाँ पे गाने वगैरह नहीं बजते, तो शायद से वहाँ पे ही जाएंगे वापस। लेकिन यहाँ पे एक और है मंडप, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। अभी जहाँ पे आया हूँ ना यहाँ पे कोई गाना वाना नहीं बज रहा, ये क्या बेच रहे हैं भाई। अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ये सीन है भाई, यहाँ पे मैं बात कर रहा था दुर्गा पूजा की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री, जो मुझे पता है, जो मुझे दोस्तों वैरों ने बताई हुई है। उसमें यह है कि ये जो महिषासुर था, ये हजारों साल इसने इबादत की, इबादत करके इससे भगवान से इसने प्रार्थना की कि मुझे कोई भी मर्द इस दुनिया का ना मार पाए, तो इसको भगवान ने वो एक्सेप्ट कर दी इसकी प्रार्थना। और उसके बाद ये दुनिया का राजा बन गया, राजा बन के इसने बहुत सारी डिस्ट्रक्शन की, बहुत ही क्रूर राजा था, तब जाके दुनिया परेशान आ गई। अब कौन मारे इसको, जितने भी भगवान थे मेल भगवान वो सारे अब परेशान, अब ये इसको कौन मारेगा। तब आती है दुर्गा माता, जिनको 10 हाथ होते हैं और 10 हाथों में 10 भगवानों के वेपन्स होते हैं। और उसके बाद जो दुर्गा माता होते हैं वो इस महिषासुर के साथ 10 दिन लड़ाई करते हैं, और 9th डे पे फाइनली दुर्गा माता इस महिषासुर को मार देती हैं, और तभी ये मनाया जाता है। डेमन को गॉडेस ने मारा, तो इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा। अभी 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 ना अभी काफी सारा रश है यहाँ पे, तो चलो ये लड़के यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वगैरह भी है, बांग्लादेश पुलिस, और यहाँ पे ये लोग वगैरह बैठे हुए हैं। यहाँ पे यही सब था, अभी चलते हैं वापस हॉस्टल के पास, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं और कुछ हुआ तो। ये जो मंडप है ये लास्ट मंडप है, ये मंडप देखेंगे उसके बाद चलेंगे अपने हॉस्टल के पास जो मंडप है वहाँ पे। वहाँ पे अच्छा है यार, मुझे वहाँ पे लगा सबसे अच्छी डेकोरेशन वहाँ पे ही हुई है। तो यहाँ पे रश है ना, वो रश आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी थी, आप देख सकते हो दुर्गा माता ने एक त्रिशूल बिफलो के सर पे मारे, मतलब उसे खत्म कर रहे हैं। इसका ये था कि जो महिषासुर था वो अपनी शेप शिफ्ट कर देता होता था, तो वो बिफेलो के शेप में आ जाता था। और ये भी कहते हैं कि जो महिषासुर था वो बिफेलो का बेटा था। अभी वापस अपने हॉस्टल के पास आ गए, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन चल रहा है अभी पूजा का।
देखते हैं यार, आपको भी दिखाते हैं साथ में। चूला पे आप आए यार, अंदर ढोल कूट रहे हैं, पता नहीं अभी यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे चल के देखते हैं। अंकल उधर से कह रहे हैं जी अभी कंपटीशन होगा, एक एक जॉन करके देखते हैं सबसे ज्यादा तालियां किस पे पड़ती है और कौन सा सबसे अच्छा डांस किया। थैंक यू भाई। जी दुर्गा पूजा बांग्लादेश में, और आप सबको भी हैप्पी दुर्गा पूजा। और यार देखो, दुर्गा पूजा के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था, मैं शायद से अच्छे से दिखा नहीं पाया हूँ, जितना भी दिखाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं भी करना है तो आपकी चॉइस है। और फिर कभी मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, और अल्लाह हाफिज़।